नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल मृदुला मेहरा पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा, वो भी बिना तले हुए। इसके लिए तवे को गरम कर लेंगे और एकदम से सिम पे रखेंगे, और जब बहुत गरम हो जाए तो इसे आंच को हम बंद कर देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को साइड से काट लीजिए, और अगर आकार आपको गोल देना है तो कटोरी की सहायता से गोल निकाल लीजिए। तिकोना बनाना है तो तिकोना बना दीजिए, शेप आपकी मर्जी पर है। अब हम इन ब्रेड्स को तवे पर सेटल कर देंगे और इसको धीमी आंच पे रोस्ट करके टोस्ट करेंगे। इसे बहुत तेज आंच पे नहीं रखना है, ये धीमे धीमे सिके, जब एक तरफ से हल्की ब्राउन हो जाए, रोस्ट हो जाए, तो हम इसको पलट देंगे और यूं ही बंद गैस पे, यानी कि आंच वाले तवे पे पड़ा रहने देंगे। ब्रेड दोनों तरफ से सिक चुकी है। मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेड कितनी क्रंची है। धीमी आंच पे जब ये सिकती है तो इसके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाता है और ये क्रंची क्रंची सी हो जाती है बिना तले हुए। अब सबसे पहले हम इसको चाशनी लगाएंगे। चाशनी भी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत पतली ना हो, यानी कि एक तार की चाशनी हो। सबसे पहले हम इन ब्रेड्स पे चाशनी को लगा लेंगे। चाशनी को मैंने ब्रेड के ऊपर लगा लिया है। आप इन ब्रेड्स को चाशनी में डिप भी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे खोया मिला हुआ ये कंडेंस मिल्क, जिसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है। आप इसमें किसी एसेंस का भी प्रयोग करेंगे। हम इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस प्रकार हमने खोए को या कहिए रबड़ी को स्प्रेड पे लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम अपने जो ड्राई फ्रूट की कतरने हैं इनको लेकर सजा देंगे। तो ड्राई फ्रूट से सजाने के बाद ये शाही टुकड़े शाही बनके खाने के लिए तैयार हैं। इस विधि से बने हुए ये टुकड़े बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये बिना तले हुए बने हैं। तो चाशनी भी जो है, आप यदि चाहें तो शुगर फ्री से बना सकते हैं। तो चलिए इन शाही टुकड़ों का लुत्फ उठाएं, और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।